नोटबंदी और जीएसटी के बाद से देश में रोजगार की स्थिति में आई गिरावट में अभी तक कोई सुधार नहीं आ पाया है। आरबीआई के सर्वे में बताया गया है कि आधे से भी कम लोगों को उम्मीद है कि अगले साल तक भी रोजगार में कोई सुधार आ पाएगा। जनवरी से मार्च तिमाही 2018 में लेबर पार्टिसिपेशन की दर 43.4% थी। ये दर नोटबंदी से पहले वाले जनवरी से मार्च तिमाही में 46.8% थी, यानी दो साल में कुल आबादी का 3.4% हिस्सा नौकरी करने की चाह ही छोड़ चुका था। नोटबंदी और जीएसटी दो अहम कारण हैं जो पिछले डेढ़ साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी धीमा कर चुके हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE में दिए गए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक नोटबंदी के अगले दो महीनों में 1,26,00,000 नौकरियां चली गईं और लेबर फोर्स 1,90,00,000 तक कम हो गया। औद्योगिक उत्पादन की दर पिछले कुछ समय में बढ़ी है, पर रोजगार में अभी तक कोई सुधार नहीं देखा जा सका है। आरबीआई का सर्वे बताता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार नकारात्मक है। इस सर्वे में 30% लोगों का मानना है कि रोजगार में पिछले साल के मुकाबले इस साल सुधार आया है और इससे कहीं ज्यादा 43% लोगों का मानना है कि रोजगार की स्थिति में गिरावट आई है। लोगों के विश्वास में अंतर फिलहाल 13% का है, जो पिछले साल सिर्फ 7% का था और नोटबंदी से पहले यह अंतर था ही नहीं। साल 2013 में 32% लोगों का मानना था कि रोजगार की स्थिति पिछले साल के मुकाबले खराब हुई है। साल 2014 में नई सरकार के वादों से बंधी उम्मीदों के कारण यह आंकड़ा घटकर 28% हुआ, पर अगले ही साल 2015 में यह आंकड़ा वापस 31% पर पहुंच गया। साल 2016 में यह आंकड़ा 35% हुआ और साल 2017 में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 41% लोगों को लगने लगा कि रोजगार के अवसर पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं। उम्मीद की बात भी करें तो साल 2014 में 61% लोगों को लगता था कि अगले साल रोजगार के अवसर में सुधार आएगा। 2017 में यह आंकड़ा 51% हुआ और मार्च 2018 तक आधे से भी कम लोगों को लगने लगा कि अगले साल तक भी रोजगार में कोई सुधार नहीं आने वाला है। एक तरफ जहां सरकार दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस माहौल में यही लगता है कि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ भी रही है तो एक बहुत ही छोटे तबके को इसका फायदा मिल रहा है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।